मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने सुना होगा कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी का नाम गिनीज बुक में होता है और उस टाइम में हम ये सोचते हैं कि इसका हाइट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। तो उस डिजीज़ को, उस समस्या को हम वो क्या बोलते हैं, उस समस्या को हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ हार्मोन होती है वो बहुत ज़्यादा बनने लगती है हमारे बॉडी में। अब ग्रोथ हार्मोन कहाँ पर बनती है, हमारे ब्रेन में। हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा सर है, यहाँ पे छोटा सा एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उससे क्या निकलती है, उससे ग्रोथ हार्मोन निकलती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो बच्चे में वो निकलती है ताकि बच्चे का हाइट बढ़ सके। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन को निकालने लगती है। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक पतला सा पदार्थ होता है, समझिए कि ब्लड में वो मिक्स होता है और हार्मोन की वजह से बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। हम जब बच्चे से जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आता है और वो चेंजेस, वो बदलाव, वो परिवर्तन हार्मोन की वजह से होता है। हमारे शारीरिक विकास होता है वो हार्मोन की वजह से होता है। लड़कों में दाढ़ी मूछ आती है वो हार्मोन की वजह से होता है। लड़कियों का फिजिकल अपीयरेंस बहुत अलग हो जाता है जब वो बच्ची होती है तब, और जब वो बड़ी हो जाती है तब। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो भी हार्मोन की वजह से होते हैं। तो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं जीएच शॉर्ट में ग्रोथ हार्मोन, जी से ग्रोथ और एच से हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, अब आप समझिए कि यहां पे अगर हम इंडिकेट करें तो यहां पे होता है, यहां पे अंदर में, ठीक है। बहुत छोटा सा होता है, मटर के दाने जैसा इसका आकार होता है और ये जो ग्रोथ हार्मोन निकालती है, जाइगेंटिज्म के केस में ये बहुत ज्यादा निकालने लगती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलने लगता है और उसका हाइट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा कब निकलती है, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तब, मतलब जब बच्चा प्यूबर्टी के एज में जा रहा होता है तब, उस टाइम में होता है। यहां पे दो टर्म आते हैं, अब वो दो टर्म कौन से हैं, दूसरा टर्म क्या है हमारा, एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को निकालती है, लेकिन इस टाइम में क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है। लेकिन इस वाले केस में, यानी कि एक्रोमिगेली के केस में क्या होता है कि वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, उसका विकास ऑलरेडी हो गया है और तब उसके बॉडी में गड़बड़ी हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी हो जाती है और वो फिर ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा निकालने लगती है। जब ऐसा होता है, इसकी बात हो रही है एक्रोमिगेली की, अगर बात करें हम तो समझिए कि एक अडल्ट है और उसको बचपन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वो अडल्ट हो गया, जब वो बड़ा हो गया, जब उसके शरीर में पूरा परिवर्तन हो गया, उस टाइम में पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलने लगा, जिसके कारण उसका जो फेस है वो बहुत मोटा मोटा सा, स्किन बहुत मोटा होने लगता है, हाथ पैर बहुत फूलने लगता है। उसके अलावा क्या होता है कि उसकी हाइट तो नहीं बढ़ती लेकिन वो साइड से बहुत चौड़ा सा होने लगता है, उसका जो पैर का साइज है वो भी बड़ा होता है क्योंकि वहां पे स्किन ज्यादा आने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमिगेली। लेकिन जब विकास के दौरान, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उस टाइम में जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलती है तो उसका हाइट बहुत लंबा होने लगता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। अब इंडिया में सबसे लंबा हाइट किसका है, धर्मेंद्र प्रताप सिंह का है, जिसकी हाइट कितनी है, 8 फुट 1 इंच है, ठीक है, 8 फुट 1 इंच। इंडिया में सबसे लंबे आदमी की हाइट कितनी है, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रताप सिंह, और वर्ल्ड में सबसे लंबे आदमी की हाइट कितनी है, 8 फिट 2.82, यानी कि 8 फिट 2.82 इंच है वर्ल्ड में सबसे लंबे आदमी की। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुल्तान कोजिन। और इंडिया में जो सबसे लंबे हाइट का व्यक्ति है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रताप सिंह। तो इन दोनों को जाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम है और ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है, हर किसी में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा कंडीशन आ जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, तो बहुत सारे कारण है। पहला क्या है, टू मच ग्रोथ हार्मोन, मैंने आपको बता दिया कि ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर ये ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को निकालने लगे, मतलब ज़्यादा शरीर का विकास होने लगेगा और ज़्यादा हड्डियों का विकास होने लगेगा, जिसकी वजह से हाइट बहुत बढ़ने लगेगी, उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में भी जाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है,
कार्ने कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है? ये एक हेरिडिटरी कंडीशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा डिजीज है जो बच्चों को माता पिता से मिलता है। अब माता पिता से मिलता है तो कैसा होता है वो डिजीज? स्पॉटी स्किन पिगमेंटेशन, मतलब पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे, पूरे हाथ पे काला काला सा दाना टाइप का हो जाएगा। दाना कैसा होता है? इस तरह पूरे फेस पे काला सा दाग टाइप का हो जाएगा, इस तरह डॉट डॉट। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मैग्जिमस। क्या बोलते हैं हम? हम बोलते हैं मैग्जिमस। तो ये टर्म आपको याद रखने हैं। तीसरा क्या है? मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। अब मैक्यून को एम बड़ा लिखते हैं और सी छोटा लिखते हैं और फिर सी को हम कैपिटल ही रखते हैं, ठीक है? तो इसको कैसे लिखना है ये आप ध्यान से देख लीजिए, मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होती है? इसमें हमारी हड्डियों, हमारा स्किन, हमारा बहुत सारा जो हार्मोन होता है वो अफेक्ट होता है, जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो भी टिश्यू। अब टिश्यू कैसी होती है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में होती है। समझिए कि अगर ये ऊपर से, अगर ये स्किन का परत है तो इसके अंदर में अगर हम इसको हटाएंगे तो इसके अंदर में भी एक पतला सा परत होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और बहुत सारे ऑर्गन कनेक्टिव टिश्यू से मिल करके बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अफेक्ट करता है बहुत सारी हड्डियों को, ये अगर डिजीज हो जाए तो बहुत हमारे स्किन को, और फिर जो भी टिश्यू हार्मोन को प्रोड्यूस करती है उस टिश्यू को ये खराब कर देता है। कौन सी? मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में ऐसा हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाते हैं? स्कार टिश्यू हो जाते हैं बोन के पास। अगर अंदर में हड्डी है, हड्डी हमारे बॉडी के अंदर में है, तो जो जब जिस बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर ये पूरा काला काला सा हो जाएगा, एक साइड से पूरा आपको काला काला सा देखने को मिलेगा। मतलब समझिए कि अगर ये इसका हैंड है तो ये एक तरह से पूरा इस साइड पूरा ये ब्लैक सा आपको दूर से ही देखने से लगेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है स्किन में, इस तरह हो जाता है। चौथा कारण क्या है? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाजिया टाइप 1। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? MEN1, ठीक है? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाजिया टाइप 1 के कारण भी जाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ट्यूमर हो जाती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है? अगर जो ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन भी होती है और वो एक्सोक्राइन भी होती है, मतलब ये जो ग्लैंड है ये हार्मोन को बनाती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का हमने पहला एग्जांपल देखा है यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब जो हमारे ब्रेन में होती है। इसके अलावा ब्रेन में हाइपोथैलेमस भी होती है, हमारे पास क्या होती है थाइमस ग्लैंड भी होती है, पैनक्रिया भी हो गई, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ये होती है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के हमारे बॉडी में। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, मतलब ऐसे ग्लैंड जो कि हार्मोन को निकालते हैं, उन ग्लैंड में ट्यूमर्स हो जाते हैं। ट्यूमर्स का मतलब होता है कि कैंसर तो नहीं है ये, लेकिन कैंसर बनने की संभावना रहती है। तो वैसे हो जाते हैं, लेकिन ये कैंसर अभी नहीं होता है। ट्यूमर्स का मतलब होता है कि थोड़ा सा वहां पे जो सेल्स होते हैं वो कैंसर के ही तरह होते हैं, लेकिन वो कैंसर वाले सेल नहीं होते हैं, ठीक है? इसके अलावा पांचवा क्या है? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें कहां पे ट्यूमर बन जाते हैं? यहां पे ब्रेन में ट्यूमर बन जाती है। और जब ब्रेन में ट्यूमर बनती है तो स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स होते हैं वहां भी ट्यूमर्स बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और ये भी कैंसर नहीं, ये नॉन कैंसरस होती है, मतलब इसके कारण कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन ये अफेक्ट करते हैं, ये ट्यूमर बना देते हैं, जिसके कारण जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और उसके साथ जो निकला हुआ एक तरह से नर्व्स, नर्व्स का मतलब होता है जैसे हमारे ब्रेन से हम जो भी सोच पाते हैं वो काम हम कर पाते हैं, तो वो जो सिग्नल भेजता है ब्रेन वो नर्व्स के द्वारा ही भेजता है। तो जब नर्व्स में प्रॉब्लम होगी, जब स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगी, जब ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, तो बहुत सारे बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर ब्रेन में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो, जिसकी वजह से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बने और फिर जाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम हो जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि जाइगेंटिज्म के क्या क्या कारण है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम किसी में है। बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, लेकिन अगर है तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे उनकी बॉडी। लक्षण को हम मेडिकल टर्म में साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। तो जाइगेंटिज्म के केस में क्या क्या लक्षण आते हैं, जिसमें पहला लक्षण क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ, मतलब बहुत ज्यादा उसका विकास होने लगता है। विकास भी नहीं, समझे कि हाइट बढ़ने लगती है और बॉडी में चेंजेस कम आते हैं, हाइट ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसके कारण प्यूबर्टी में देरी हो जाती है। मतलब प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जिसमें पूरे तरह से बॉडी का विकास हो जाता है। जो भी चेंजेस आने हैं, जो भी परिवर्तन आने हैं जवान होने पे, वो परिवर्तन अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसकी हाइट बढ़ते चली जाती है। इसका मतलब है कि डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है? डबल विजन और डिफिकल्टी विद साइड विजन, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं पेरिफेरल, ठीक है? यहां पे पेरी,
ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि जब वो व्यक्ति देखेगा तो उसको एक चीज दो दिखेगी, मतलब सामने से उसको डबल डबल चीजें, एक ही चीज होगी उसके सामने में लेकिन उसको दो दिखेगी, समझे आप। इसके अलावा जब वो साइड में देखेगा, अब हम क्या है, हम अगर नॉर्मल इंसान है तो अगर हम सामने देखें या फिर अगर हम साइड में देखें तो हम साइड में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होगी, जिसको जाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम होगी, वो साइड में जब वो देखेगा तो उसको देखने में दिक्कत महसूस होगी, साइड में जब वो देखेगा तो आंख को इस तरह करके, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फ्रंटल बॉसिंग एंड प्रोमिनेंट जॉ। इसका मतलब है कि सर जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ रहेगा, सर का जो हड्डी है वो आगे की तरफ ज्यादा निकला हुआ रहेगा, और ये क्या है, प्रोमिनेंट जॉ, ये जो जबड़ा होता है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये भी आगे की तरफ हल्का सा निकल करके मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। हेडेक मतलब सर में दर्द होता है। इसके अलावा क्या होता है, इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आता है उस इंसान को। इसके अलावा क्या हो सकता है, इररेगुलर पीरियड्स, अगर किसी महिला में ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको पीरियड्स समय पे नहीं होंगे। इसके अलावा क्या होता है, लार्ज हैंड एंड फीट्स, हाथ और जो पैरों की साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी होगी, नॉर्मल साइज से ज्यादा वो बड़ी दिखेगी। रिलीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, अगर महिला है तो उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो खुद अपने आप ही निकलने लगता है जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तब। थिकनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स, फेशियल फीचर्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब जाइगेंटिज्म की प्रॉब्लम होती है तो जो फेस है, जो हमारा फेस होता है नॉर्मली, वो बहुत शार्प होता है, मतलब अगर ये नाक है तो बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल एकदम तीखा सा नाक है, अगर होंठ है तो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा एक तरह से मोटा सा नहीं है और इधर फैला हुआ नहीं है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होगी ये चीज़ की, उसका जो पूरा फेस है वो बहुत चपटा टाइप का हो जाएगा और बहुत एक समझ स्किन बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी होने लगेगी, बिल्कुल शार्प फीचर्स बिल्कुल नहीं होंगे उस व्यक्ति में जिसको ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी होगी उस व्यक्ति को। तो ये सभी लक्षण जब आते हैं तो अगर वैसे इंसान को अगर डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो क्या क्या वो टेस्ट करते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें सबसे पहला टेस्ट क्या करते हैं, सिटी स्कैन ऑफ एमआरआई एंड एमआरआई ऑफ हेड, सिटी स्कैन और एमआरआई ऑफ हेड। इसका मतलब है कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है हमारी ग्रोथ हार्मोन, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम चेक करेंगे कि क्या उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड सही है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फेलियर टू सप्रेस सीरम ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर हम कोशिश करेंगे कि उसका जो ब्लड में जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया है वो थोड़ा कम हो जाए, उसकी लेवल थोड़ा कम हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उसको मुंह से ग्लूकोज देते हैं, तो जो ओरल ग्लूकोज चैलेंज हम उसको बोलते हैं, उसकी जो दवाइयाँ हम उसको बॉडी में पास करते हैं, तो जब ये ट्रीटमेंट हम करते हैं, जब ऐसी ट्रीटमेंट की जाती है तो उस टाइम में अगर इनका जो ब्लड का लेवल है, ब्लड में जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल है, अगर वो कम नहीं हुआ तब भी तो क्या होगा, तो वहां पे क्या हमें पता लग जाएगा, ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बन रही है और वो बनने के साथ साथ वो सप्रेस यानी कि दब नहीं रही है, मतलब ठीक नहीं हो रहा है ओरल ग्लूकोज चैलेंजेस से। इसके अलावा क्या होता है, ब्लड में अगर हम देखेंगे तो हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स होगी। इसके अलावा क्या हो सकती है, इंक्रीज क्या चीज होगी, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन, मतलब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन जो हार्मोन होगी वो भी बहुत ज्यादा उनके बॉडी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गई है उस व्यक्ति की तो क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा, एस्ट्राडियोल का लेवल कम हो जाएगा, लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, बॉयज में एंड थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, दोनों में। ये सभी हार्मोन है, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। और थायराइड हार्मोन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इस पे लेक्चर लिया है, हुनर तो सब में होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो जब भी आप किसी के ट्रीटमेंट करते हैं तो आप बहुत अच्छे से करें ताकि वो जो पेशेंट है उसका जो भी प्रॉब्लम है वो कम से कम बहुत हद तक वो ठीक हो जाए, तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम अगर ये कंडीशन होती है तब। मैनेजमेंट में हम क्या क्या देखते हैं, मैनेजमेंट कह लीजिए या फिर आप ट्रीटमेंट कह लीजिए, जिसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सर्जरी। हम सर्जरी कर सकते हैं, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स, इसमें मेडिसिन आती है, हम इसको दे सकते हैं, और इसको देने की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रही है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, वो निकलना कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके जगह पे हम ये भी दे सकते हैं, डोपामाइन और एगोनिस्ट हम दे सकते हैं, लेकिन इस दवाई से और
ये दवाई ये बहुत कम असरदार है, मतलब ज्यादा दोनों में से अच्छा कौन है, सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स अच्छा है। और ये दोनों क्या काम करती है, दोनों ग्रोथ हार्मोन को कम करने का काम करती है। इसके अलावा चौथा क्या है, पेग्विसोमेंट, ये क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को। इसका मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, हमारे बॉडी को बढ़ाती है, हमारे बॉडी का विकास होता है उससे। तो क्या होता है कि जो प्रभाव है ग्रोथ हार्मोन का, यानी कि इसका काम है विकास करना, और ये विकास ना कर सके इसके लिए इसके असर को ये दवाई खत्म कर देती है, पूरा तरह से ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा भी अगर सर्जरी और मेडिसिन से काम नहीं बनता है तो हम रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। अब रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी में उस व्यक्ति को रेडिएशन जैसे गामा रेज हो गया, एक्सरेज हो गया, तो वो सभी की मदद से ठीक किया जाता है। लेकिन अगर आपको इसका असर देखना है कि ये कब तक ठीक होगा, तो लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं इस थेरेपी में, ये जो समस्या है वो ठीक होने में 5 से 10 साल, मतलब बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो इस तरह से इसकी मैनेजमेंट की जाती है, इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।